तो फिर से एक नए प्रोडक्ट के साथ आपका स्वागत है। आज का प्रोडक्ट है डिजिटल मल्टीमीटर। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स करते हैं। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, दो लीड है इसके साथ, एक कॉमन में जाएंगी जो कि हमेशा फिक्स रहेंगे, कॉमन पॉइंट ब्लैक वाले, और दूसरा वोल्ट मीटर या एमीटर में जाएंगे। अगर हमें वोल्टेज चेक करना है तो हम लीड को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करेंगे, या और हमें अगर एम्पियर चेक करना है, करंट चेक करना है, तो इसे हम एमीटर में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम रेंज के बारे में बता देते हैं, कौन सा रेंज क्या है और कैसे मेजरमेंट करेंगे। ये आपका डीसी वोल्टेज है जो कि मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक इसे चेक की जा सकती है। ये एसी वोल्टेज है जो कि 200 से लेकर 750 वोल्ट तक चेक करते हैं। नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है, 240 वोल्ट 250 वोल्ट होते हैं। यह है करंट रेंज है जिससे हम करंट चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी रेंज है, इससे हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। ये कंटिन्यूटी है, इससे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये रेजिस्टेंस का रेंज है, इससे हम रेजिस्टेंस की मेजरमेंट चेक करेंगे, कितने ओम की है, कितने किलो ओम की है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये चीज़ बताएंगे, एक चीज़ की इसमें सावधानी बरतनी होती है। अगर हमें वोल्टेज चेक करनी है तो हमें वोल्टेज में ही इस लीड को लगाने हैं, ना कि करंट में। अगर हम करंट में लगा रहे हैं और वोल्टेज चेक करेंगे तो डिवाइस जल सकती है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। हम अभी वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं, वोल्टेज वाले पॉइंट में प्लग इन किए। इस एरो को हम क्या करेंगे, वोल्टेज के रेंज में ले जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें अप्रॉक्स वोल्टेज पता होना चाहिए कि सेल की क्या वोल्टेज है। जैसे हम सबको पता है मैक्सिमम इसकी 1.5 वोल्टेज होती है, तो हम 20 तक ले जाएंगे। अगर हमें 200 वोल्ट 20 से और 200 के बीच में चेक करने हैं, 200 तक जाएंगे, इसलिए हमें पता है 1.5 वोल्ट की है, तो इसलिए हम क्या किए, 20 वाले पे पॉइंट को रखें। और हम अभी चेक करते हैं दोनों लीड को, दोनों तरफ टच करेंगे, इससे मेरी वोल्टेज निकल के आ गई 1.50 मतलब 1.5 वोल्ट। ठीक है, इस तरह हम अगर हम इस पॉइंट को प्लस को नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव को प्लस की तरफ करेंगे तो ये साइन क्या है, माइनस में दिखाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव लीड टच कर रहे हैं और पॉजिटिव पॉइंट को नेगेटिव लीड से टच कर रहे हैं, इसके कारण ये माइनस प्लस का साइन आ रहा है। चीज़ का और ध्यान देना है, अगर हम डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो पॉइंट डीसी की तरफ ही होना चाहिए, ना कि एसी की तरफ। अगर हम एसी चेक कर रहे हैं तो ये पॉइंट एसी की तरफ होने चाहिए। अगर हम डीसी की तरफ करके और एसी में इस प्लग को चेक करेंगे, प्लग इन करेंगे, तो डिवाइस जल सकते हैं। इसलिए हम क्या करें, अभी हम जा रहे हैं एसी वोल्टेज चेक करने, तो इस पॉइंट को एसी की तरफ करेंगे। और ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें पावर सप्लाई है, अभी इसको पहले ऑन करते हैं, उसके बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं इसकी कितनी वोल्टेज आ रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं 242 वोल्ट इसका आउटपुट है। ठीक है, ऐसे हम वोल्टेज चेक करेंगे। हम अब करंट चेक करते हैं। करंट चेक करने के क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से में अमीटर में प्लग इन करेंगे। अमीटर में प्लग इन करने के बाद साइन करंट के सामने रहेगा, एम्पियर के सामने, और हम देखिए चेक कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू निकल के आ रही है 0.67। ठीक है, माइनस साइन इसलिए आ रहा है ताकि हम नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव लीड के साथ कनेक्ट किए हैं और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। वही हम उल्टा करके देखते हैं, देखिए यहाँ करंट की वैल्यू पॉजिटिव में निकल के आ गई। अब इसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। कंटिन्यूटी हम इसलिए चेक करते हैं, दो पॉइंट के बीच में कोई कंपोनेंट ख़राब तो नहीं है, कोई कंपोनेंट जल तो नहीं गए हैं, इसकी जानकारी के लिए हम कंटिन्यूटी का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूटी में क्या होगी, अगर दो पॉइंट टच करेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी, इसका मतलब क्या है, सर्किट सही है। जैसे हम एक सर्किट के थ्रू हम बता रहे हैं आपको,
एक डायरेक्ट लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसके बीच में कोई कनेक्शन छूटी हुई नहीं है, टूटी हुई नहीं है। इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। बीप की आवाज़ आई, इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी कंपोनेंट ख़राब नहीं है। वैसे ही हम एक कंटिन्यूटी को तोड़ते हैं, ये जो पॉइंट है एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में, इस कनेक्शन को हम हटा देते हैं, ख़राब कर देते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इससे क्या होगी, बीप की आवाज़ नहीं आएगी। इस समय क्या पता चल रहा है, इसके बीच में ए पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई ना कोई प्रोडक्ट ख़राब है, जो कि हमने ये रगड़ करके ख़राब कर दिया है। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं तुरंत ही रिप्लाई दूंगा या किसी वीडियो के थ्रू आपको शेयर करूंगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।